खबर कराहल से है, जहां आज शुक्रवार को ब्रजिया आदिवासी ने तहसील पहुंचकर एसडीएम से शिकायत की है कि उसकी खाते की भूमि रामपुरा कराहल हलके में है, जिस पर लगभग 2 बीघा भूमि पर कराहल पटवारी ने और शेष भूमि पर एक अन्य व्यक्ति ने जबरन कब्जा कर लिया है। कई बार आवेदन दे चुका हूं, मगर अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला। मैं गरीब हूं और दर दर की ठोकरी खाता फिर रहा हूं। मेरी जमीन कब्जा मुक्त करवाई जाए, नहीं तो मैं कलेक्टर से कराहल पटवारी की शिकायत करूंगा। वहीं कराहल निवासी कोमल जाटव ने भी एसडीएम से शिकायत की है कि मेरी भूमि कराहल में है, किसी सीमांकन के लिए मैं 2 वर्षों से तहसील के चक्कर काट रहा हूं। सीमांकन आदेश हो जाने के बाद भी कराहल पटवारी मेरे खेत का सीमांकन नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे खेत पर ही कराहल पटवारी ने ही कब्जा कर रखा है, इसलिए वह सीमांकन करने नहीं जाता है। अब यदि मेरी सुनवाई नहीं होती तो मैं कलेक्टर से पटवारी की शिकायत करूंगा। इस संबंध में जब हमने कराहल एसडीएम उदय सिंह शिकरवार से बात की तो उन्होंने बताया कि ब्रजिया आदिवासी और कोमल जाटव ने शिकायत की है, उनकी जमीन पर कराहल तहसील पटवारी ने कब्जा कर रखा है, जांच करवाएंगे, यदि ऐसा हुआ तो जमीन से कब्जा हटवाया जाएगा और संबंधित पर कार्यवाही की जाएगी। नाम है आपका? ब्रजिया सर। कहाँ के निवासी हो आप? कराहल के। क्या परेशानी है आप एसडीएम सर? जी परेशानी है, मेरी जमीन अशोक पटवारी लालाजी जो हल्का के कराल नंबर के, उनने मेरी ज़मीन पे कब्जा डाल रखा है 2.5-3 बीघा पे, और बितलाला राठौर है कुशवा जी वो राठौर, उसने मेरी ज़मीन पे साहब कब्जा डाल रखा है, और मैं बज बज कर परेशान हूँ बहुत। मैं मान लो कलेक्टर साहब के भी गया तो वहाँ से भी मान लो मुझे नो कही चलो वहाँ आपका निराकरण हो जाएगा, तो वहाँ से भी सर मैं कहा आयो तो मैं यहाँ आया हो तो यहाँ से नो कही तो आपका निराकरण कैसे करें भाई, यहाँ तुम्हारा केस ही नहीं है बराबरी का। तो राठौर ने आपने आज तक मेरे काज केस हाजिर लेकर नहीं आया सर। तो जो शासकीय कर्मचारी हैं उनने भी तुम्हारी ज़मीन कब्जा कर रखी है? हाँ, बिलने भी कर रखी है सर। और आप ना माने तो आज मौके पर भी चल कर देख सकते हैं। आपने कलेक्टर साहब से बोला कि कर्मचारी ने भी दावा रखी है? नहीं, उनसे तो नहीं सर, मैं शक गया, हमने कि चलो उनसे बोल देंगे तो बस कुदरत में हट जाएंगे, तो भाई फिर नहीं माने तो फिर आप मान लो कुदरत में आपसे बोलना ही पड़ रहा है। तो आप एसडीएम साहब से बोला है आपने कि हाँ बोल देंगे साहब, पटवारी ने भी दावा रखी? हाँ, आप पटवारी ने भी दावा किया, मैंने जो मान लो तहसीलदार साहब से भी की दी इस बात का। तो कब से परेशान है आप? मैं 2 साल से सर परेशान हूँ, 2 साल से मान लो लगातार पैसा पर जो रोड़ा रहा हूँ, घर में खर्च नहीं है मेरे में, मैं बीमार जो दी को जाता हूँ, बाल बच्चे मेरे छोटे छोटे। अब क्या चाहते हो आप? मैं जिस चाहता हूँ सर कि मेरी भी जमीन मेरे काज में ली जाओ, जब मान लो मेरे कुछ चालन बढ़े, नहीं तो कैसे बढ़ेगा सर कुछ नहीं मेरा, तो मान लो फिर मैं तो मरो मर आया हूँ, मैंने तो इस पर केसीसी भी निकाल खाई वो ज़मीन पर, जैसे सर मान लो कि मैं तो बिल्कुल मारा हुआ हूँ, अब तो आप करें सो हो सकता है। आपने अधिकारी से कहा कि मेरी जमीन पटवारी ने दाब रखी है, तो अधिकारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं कही सर। और आपको पक्का पता है आपकी जमीन पटवारी ने भी दाब रखी? हाँ, दाब रखी है साहब, मेरे सामने जरी भी गिरी है, तो जरी भी गिरेगी मान लो तो लेन ले चलेंगे अपने बुलेन कैसे हट जाएगी। हाँ तो सर वो तो मान लो जमीन पे बिल्कुल काश्त कवर खेत बना कर चक बना कर बैठा है वो, तो कौन बैठा है? अशोक पटवारी। मतलब उसने खेत भी बना रखा है? खेत बना रखा है, तब तो जब अपनी जमीन दाब रखी उसने, जब उनकी उनके खाते की जमीन है वहाँ या वैसी किसी? अब जे सर पता नहीं करने खाते की है कोई वैसी जमीन है, तो उसमें मान लो पैदावार 2 साल से लगातार बराबर करने वही जाता है, और किसी नहीं जा रहा सर, वही काटने जा रहा है और वही मान लो लेने जाता है, तो मान लो मेरे का तो वही धमकी देता है कि भाई क्या है यार तेरी जमीन में क्यों पाचा पर रहा, बैठ जा घर में जाकर। तो मैं आपको धमकी देता है? मेरे को धमकी देता है सर, राठौर देता है और खुशवाजी देता है। दादा बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हो। हाँ, कि पटवारी आपकी जमीन जोड़ रहा है। हाँ सर, अगर आपकी सुनवाई यहाँ नहीं होती तो आप कहाँ जाओगे फिर? सर मैं मान लो कि आज हाँ मेरी सुनवाई नया होगी तो मैं मान लो कलेक्टर के सुपर भी जा सकता हूँ, अब इसी गाड़ी जा सकता हूँ, और मान लो वहाँ से भी मेरी सुनवाई ना होगी तो मान लो मैं प्राण भी त्याग पत्र कर सकता हूँ, इस बात पर मान लो मेरे कोई चारा ही नहीं रहा है उन्हें। सर आपसे विनती है और जी आपसे निवेदन है जी, मेरी जमीन और जो बताना चाहता हूँ सर, आज मेरे घर पे पटवारी लाला जी जो भी है पटवारी जे अशोक पटवारी, आज मेरे घर पे 7:30 बजे मेरे घर पे जा पहुँचे थे, मेरे से पूछी गया मेरे को क्यों छीन कर रहा है, मैंने कि कैसे सर, मैंने तो मैं तेरे आपका मकान ही नहीं देखा, आपको मैंने वो नहीं देखा, मैंने मेरे का कोई मालूम नहीं है सर, मैंने अच्छी आके तेरे का मालूम नहीं? नहीं, मैंने कि नहीं, तो मैं आपका पटवारी हूँ, मैंने पटवारी है तो सर में कि आपने मेरी ज़मीन छीन रखी है, तो क्या मैंने नहीं छीन रखी है, वो तो जमीन वार और दूसरी है वो जमीन है तू आज पूरी ले ले चका चू कर दे के, मैं क्यों ले लूँ जमीन, तो 2 साल से बराबरी में तू जोत रहा है, वो दवा तू मेरा है, तू मेरे का सता तू मेरा है,
और शिकायत तुम उन्होंने मेरी करी है। कह मैंने की हाँ शिकायत और मैं कर रहा हूँ बिल्कुल तुम्हारी हक बंटवारी मेरी जमीन को जोत रहा हो। तो बिन्ने साहब मुझसे जी कही कि HDM के मान लो तो मैंने मेरी शिकायत करी अब दोबारा तो मान लो तुम्हारी खसरा में नंबर ना रहने दूंगा मैं उड़ा दूंगा बाल मान लो तुम कहा कोई जीवन में कागज नहीं मिलेगा या ऐसे बोला फिर मुझे। ठीक है सर मैं कि नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा क्या करो जा जो मेरा काम है जो काम तो कर रहा हूँ मैं तो ठीक है तू तेरा काम कर ले मनमानी कर ले तू साले का तू कहा जमीन हाथ आ गई नहीं मैं आपका कोमल है साहब मेरा नाम। कहाँ से आए हो? कराल। क्या समस्या है आपकी? साहब मेरी जमीन नहीं नपरे सीमांकन नहीं कर रही। कौन नहीं कर रहा? न पटवारी से कहता है तो पटवारी नो कहता है गिरदावल नहीं जा रहा गिरदावल कहता है पटवारी नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहे मतलब क्या समस्या? अब वो खुद 1775 नंबर में खुद पटवारी जूता बैठा हुआ बोर करवा रहा कि ये बांध वो अपने सीमांकन क्यों करेगा? कौन है पटवारी? अशोक कुशवा। अच्छा उनने खुद जमीन जोत रखी है? खुद जमीन जोत रखी है। उनकी जमीन है वो वैसे? जमीन तो वैसे आप जो अपन पुराने किसानन की है जमीन तो जो अपनी निकल रही है 1775 में 1767 में। खुद के में जमीन नप जाएगी उस वजह से अशोक पटवारी नहीं जा रहा। और क्या कुछ करा रखा है वाने और करवा रहा कि ये वाने जमीन जोत रहा। कितनी जमीन जोत रखी है? मानव जोत रहा 25-30 बीघा जमीन उसी में 1775 में जो 1775 में ही अपनी है उसी में आपकी जमीन उसमें ही अपनी अपनी जमीन। कब से चक्कर लगा रहे? 2 साल हो गए मुझे लगाते लगाते चक्कर। पहले भी रहो जो अशोक कुशवा तब भी नहीं गए फिर वो भगवती शर्मा यहाँ का वो भी नहीं गए बीच में आर आई साहब और दूसरे आ गए वे भी नहीं गए और जे आर आई साहब पहले भी है भरैया जी और अब भी आएंगे अब भी नहीं जा रहे। आप कह रहे हो कि भगवती शर्मा थे वो भी नहीं गए तो भगवती शर्मा क्यों नहीं गए फिर? जी जा चक्कर में नहीं गए तो कुशवा धीरे से डांट दे वहाँ। अच्छा ये हाँ कर देते। जी मना कर देते उस चक्कर में जी नहीं गए। आप जी संगीन आरोप लगा रहे हो पटवारी पे पटवारी आपकी जमीन जोड़ रहा है। हाँ अगर आपकी सुनवाई यहाँ नहीं हुई तो आप कहाँ जाओगे फिर? हम साहब कलेक्टर साहब को जाएंगे साहब और क्या करें तो कलेक्टर साहब समस्या सुनाएंगे जो आपको सुना रहा हूँ वो कलेक्टर साहब को सुनाएंगे साहब। आज आप SDM साहब के पास आए? हाँ SDM साहब के पास आए। तो पहले भी कभी कहीं और शिकायत की थी? नहीं कहीं भी नहीं करी महाराज मैंने तहसीलदार साहब के और SDM साहब से ही करी शिकायत। तहसीलदार साहब क्या बोले? तहसीलदार साहब ने लिख के दे दी कि RI साहब इनको सीमांकन किया जाए तो वो भी नहीं करो अधिकारी के आदेश की अवेल ना करते हैं। नहीं करो कतने भी वो मेरे पास तहसीलदार साहब लिख के था वो पर्चा मेरे पास है वो तो उन्होंने कर लेंगे आदेश भी है जामे जी। हाँ आज यदि मेरी सुनवाई नहीं भाई SDM साहब ने नहीं करी तो मैं तो कलेक्टर साहब के आज ही जा रहा हूँ साहब वो कलेक्टर साहब के दरवाजे जा बैठाऊंगा साहब कि तो मेरे न्याय कर दो नहीं से जो है भाई मुझे मार दो बंद कटे मैं फिर कह परेशान होगा साहब। मैंने SDM साहब बोले तहसीलदार साहब को तहसीलदार साहब ने जी लिख के RI को दे दी RI साहब ने भी कोई सुनवाई नहीं करी जी। यानी कुल मिलाकर सरकारी कर्मचारी का कब्जा होने की वजह से आपका काम नहीं हो रहा है? सीमांकन नहीं हो रहा बस जी कहना चाह रहे हैं महाराज। सर ये कुछ आदिवासी सर और कुछ जाट भी आज आए हुए हैं बता रहे हैं कि आपके तहसील के पटवारी सब कुशवाहा उनकी जमीनों पर सब कब्जा कर रखा है तो सर ऐसे में सर आप क्या कहते हो सर ये कर्मचारी पे आरोप लग रहे हैं सर ये तो आपके तहसील में? अभी उपस्थित हुए हैं वो हमारे सामने लेकिन अभी कोई ऐसा उन्होंने रिकॉर्ड हमको नहीं दिखाया है जिससे ये पता चल पाए कि उनके स्वत्व की ज़मीन कहाँ पर है। मैंने उनको बाकायदा आवेदन और मेरे यहाँ 145 का प्रकरण दर्ज करने के लिए बोला है वो करेंगे उसके बाद जांच की जाएगी। एक व्यक्ति सर कोमल जाटव ये कह रहे हैं कि तहसीलदार साहब ने आदेश कर दिया सीमांकन का तो ये अशोक सर यहाँ हल्के का पटवारी होने के नाते उनका सीमांकन करने नहीं जा रहा है क्योंकि उनकी जमीन भी वही आरोप लगाना है कि इसी ने जोत रखी है। उन्होंने अभी बताया मुझे प्रकरण की जाँच करना पड़ेगी तभी कुछ इसका जवाब दे पाएंगे।